हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी, लास्ट एंड बेटा चैप्टर नंबर 2 कर रही थी, तो उसके अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और व्हाट इज सॉल्यूशन, ये अपन ने किया। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर कोलॉइड है, सस्पेंशन है, वो क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले क्लास 9th का जो करेक्टेड या संशोधित जो रिवाइज सिलेबस है उसको एक बार देखने देंगे। अब जैसे अपने जो है टोटल सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर है, ठीक है। अब 15 चैप्टर में से ये जो पार्ट है वो हटाए गए। कौन कौन से, जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक है, जैसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, वाष्पीकरण, ये मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है जो हटाए गए। इसके बाद में 6th चैप्टर हटाया गया है, जिसके अंदर क्या पौधे जंतु एक ही तरह के उत्कों से बने होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इसके बाद में जीवों में विविधता, ये भी चैप्टर जो है हटाए गए, वो यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर 6th 7th, ओके। इसके बाद में जो आगे वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर ये गति वाला 8th चैप्टर है, इसके अंदर ये टॉपिक्स हटाए गए हैं, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण और एक समान वृत्तीय गति। और इसके बाद में 9th चैप्टर के अंदर 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 ये जो टॉपिक्स है इसके सामने ये हटाए गए, ओके। इसके बाद में 10th के अंदर गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, 10th चैप्टर, उसमें 10.5, 10.6 और 10.7 ये हटाए गए, प्रणोदाब, आर्किमिडीज सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व। इसके बाद में 11th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है, उसके अंदर कार्य करने की दर, ये टॉपिक हटाया गया। चैप्टर 12 के अंदर ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, श्रव्यता का परिसर, समझ रहे हो, पराध्वनि का अनुप्रयोग और मानव कर्ण की संरचना, ये हटाया गया। और 15 जो 15वां चैप्टर है उसके अंदर खाद्य संसाधन में सुधार, उसके अंदर 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 ये जो है फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये हटाए गए, ओके। अब क्या रखा गया है उसके अंदर ध्यान देना, एक तो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर ये टॉपिक्स है ये रखे गए हैं, 2, चैप्टर 3, इसके बाद में चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये हटाया गया है। इसके बाद चैप्टर 8 है, चैप्टर 9, समझ रहे हो, चैप्टर 10, चैप्टर 11, इसके बाद चैप्टर नंबर 12 हटाया गया है, फिर 13 रखा गया, 14 है ना, 14 के अंदर ये टॉपिक्स है, 15 के अंदर ये टॉपिक्स है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो जो अपन चैप्टर करेंगे उसके अंदर आपको और बता देंगे, और इस सिलेबस की PDF भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो जब भी मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन फिर अब आगे से जो भी चैप्टर है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मतलब कटा है उसको छोड़ करके बाकी वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन जो है करेंगे, ओके। और इसकी PDF है जो आपको मिल जाएगी। ये है 9th का साइंस का सिलेबस। अब ध्यान देना बेटा, अपन उसी को कल वाले चैप्टर को टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं, 2nd चैप्टर को। अपन ने 3 विधियाँ की थी कि जो है मतलब विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बताई थी मैंने द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, जिसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, फर्स्ट ये थी। 2nd थी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन के आयतन प्रतिशत, इसके अंदर विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। 3rd है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या मतलब हो गया कि आयतन अपॉन विलयन के आयतन प्रतिशत। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हिंदी में देखो, देखें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब विलय का आयतन अपॉन विलयन
विलियन का आयतन आयतन इनटू 100। समझ रहे हो? अब इसके अंदर मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी दिए थे, कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब एक इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। कहने का मतलब एक विलयन है, उसके अंदर जो कॉमन साल्ट है, सामान्य नमक है, साधारण नमक, उसका अमाउंट है 40 ग्राम। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, उसको किसके अंदर, मतलब 320 ग्राम जल के अंदर घोला गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब हो गया कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा इसके अंदर जो इसकी सांद्रता है उसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना बेटा, इसको एक बार हिंदी में लिख लेते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो ध्यान देना बेटा, इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, विलेय है कितना 40 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, विलायक कितना है 320 ग्राम। समझ रहे हो? अब विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, देखें कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब विलय का द्रव्यमान तो ये हो गया, चलो समझ रहे हो, लेकिन विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां लिख रहा हूं, सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ रहे हो? तो कहने का, सॉल्यूट तो है 40 ग्राम और सॉल्वेंट है 320 ग्राम। समझ रहे हो? टोटल कितना हो गया 360। ये सॉल्यूशन हो गया विलयन। अब फॉर्मूला लगा दो बस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ रहे? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मतलब विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना है 40, अपॉन विलयन का द्रव्यमान कितना है 360, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा या 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा लगभग, जैसे इसके अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 1.01, है ना, तो लगभग 11.11%। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगी इसकी क्या, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से मतलब अपन को ये करनी है, ओके। इसके बाद में देखो बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में सवाल मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना। अब ध्यान देना बेटा, फर्स्ट अपन ने किया व्हाट इज सॉल्यूशन, अब सेकंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज सस्पेंशन, निलंबन क्या है, निलंबन
क्या है? तो ध्यान देना बेटा, निलंबन क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। कहने का मतलब विषमांगी गोल, विषमांगी हिंदी में देखो, देखें विषमांगी गोल, विषमांगी गोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। समझो, जिसके अंदर ठोस जो है वो द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसको क्या कहेंगे? निलंबन। अब इसके अंदर क्या है, ध्यान देना बेटा, अ सस्पेंशन, निलंबन, सस्पेंशन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सर, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और इस जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। क्या मतलब हो गया? हेटरोजीनियस मिक्सर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, समझ रहे हो? पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकड आई, और इनको नग्न आंखों से अपन मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ओके, और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ओके, इनको अपन मतलब नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी है, देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, निलंबन के गुणधर्म। अब क्या प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सर, यह एक विषमांगी मिश्रण है, समझ रहे हो? इसके बाद द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकड आई, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद में द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कहने का मतलब निलंबन के कण जो है सस्पेंडेड रहते हैं विलयन के अंदर, तो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका जो मार्ग है वो दिखाई देता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ओके,
जिससे उसका मार्गदृष्टि गोचर हो जाता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर गोचर हो जाता है। ओके, इसके बाद में द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कहने का मतलब जब इसको शांत छोड़ देते हैं तो इसके अंदर के जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इनको छनन विधि के द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। कहने का मतलब जब इसके कण जो है नीचे बैठ जाते हैं तो किसी भी प्रकार की जो लाइट है इसके अंदर दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब सस्पेंडेड होंगे, निलंबित होंगे कण, तभी वो प्रकाश किरण को फैलाने का कार्य करेंगे। अन्यथा अगर कण नीचे बैठ जाते हैं तो वो फिर विलयन बन जाएगा और फिर किसी भी प्रकार की लाइट को दिखाई नहीं देगी, उसके मतलब फैला नहीं सकते उसके अंदर लाइट को, है ना। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, देखो देखें, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। समझ रहे हो, अर्थात निलंबन अस्थाई होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। समझ लो, छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए सस्पेंशन जो होता है उसके, मान लीजिए ये जैसे ये मैंने गिलास लिया, इसके अंदर जो कण सस्पेंडेड रहते हैं तो इसके ऊपर मैं मान लीजिए अगर टॉर्च से लाइट डालूँ ना तो मतलब प्रकाश किरण को ये फैला देता है, लेकिन जब इसको शांत छोड़ दूँ तो इसके जो कण है वो नीचे जमा हो जाएंगे। समझ रहे हो, ऊपर कहने का मतलब विलीन नहीं रहेगा। फिर मैं अगर इसके ऊपर लाइट डालूँ तो ये प्रकाश किरण को फैलाने का कार्य नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो विलयन है वो अस्थाई होता है। समझ रहे हो, इस तरीके से पृथक मिश्रण से पृथक किया जा सकता है छानन विधि के द्वारा। और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो इनके अंदर से क्या है कि निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ओके, अब देखो, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ये अपन ने दो कर दिए बेटा, वॉट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन। अब थर्ड में ले रहा हूं, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन क्या है, कोलाइडल विलयन क्या है। समझ रहे हो, साथ साथ पढ़ते रहना बेटा। इसके अंदर देखो, देखें, द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं विलयन के अंदर समान रूप से फैले हुए होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, मतलब इसके जो कण होते हैं निलंबन से छोटे, द मिक्सर अपीयर टू बी होमोजीनस, और ये जो समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटरोजीनस मिक्सर। कहने का मतलब वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध, क्योंकि इसके अंदर देखो, देखें, समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में कहने का मतलब ये जो है मतलब एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण
होता है, जैसे दूध एग्जाम, मतलब जब इसको मतलब सेंट्रीफ्यूज वगैरह करते हैं ना, तो कुछ एक पदार्थ जो है इसके नीचे जम जाते हैं, इस वजह से इसको विषमांगी मिश्रण भी बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर जो कम्प्लीटली, वैसे प्रतीत तो समांगी होता है, लेकिन जैसे दूध का एग्जाम्पल लिया है, फैट वगैरह निकालते हैं ना, जैसे नीचे जम जाते हैं पदार्थ, तो उस वजह से इसको विषमांगी मिश्रण भी माना जाता है। देखो देखें, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। समझ रहे हो? अब ध्यान देना बेटा, इसके अंदर बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, बट दीज पार्टिकल कैन ईजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। कहने का मतलब, कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से देख तो नहीं पाते, समझ लो, छोटे आकार के कारण आँख से देख नहीं पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, समझ लो, और प्रकाश की किरण का फैलना ही क्या कहलाता है, ये जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था टिंडल, उन्होंने मतलब इसकी खोज की थी। तो इसके अंदर देखो देखें, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल, उन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया था। अब इसके गुणधर्म, कोलाइड के गुणधर्म, कोलाइड के गुणधर्म के अंदर ध्यान देना बेटा, सबसे पहले यह एक विषमांगी मिश्रण है। अ कोलाइड इज अ हेटरोजीनस मिक्सर, यह एक विषमांगी मिश्रण है, समझ रहे हो। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आई। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ओके, इसके बाद कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट
एंड मेक इट्स पार्ट विजिबल। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। समझ रहे हो, प्रकाश तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ओके, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दिस इज अ कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। कहने का मतलब, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो इसके कण जो है नीचे नहीं बैठते। दैट इज अ कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल, कहने का मतलब विलयन जो है वो स्थायी है। अगर नीचे बैठ गए तो विलयन के कण हो जाएंगे, मतलब विलयन अस्थायी हो जाएगा। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब, इनको जो है छानन विधि से पृथक नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। ये थे बेटा विलयन, निलंबन और कोलोइड और उनके गुणधर्म। अब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड के सामान्य एग्जाम्पल देखो। देखें, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब जो स्टेज, और एक होता है कौन सा मीडियम है, फिर उसके टाइप और उदाहरण। इसके अंदर ध्यान देना, जैसे अगर फेज जो है लिक्विड है, मीडियम गैस है, तो इसका जो टाइप है वो एरोसोल होगा, और इसके एग्जांपल है फॉग है, क्लाउड वगैरह जो है वो इसके एग्जांपल रहेंगे। इसके बाद में अगर फेज सॉलिड है और मीडियम परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो उसका भी एग्जाम्पल एरोसोल है और स्मोक। ये मतलब कौन सी स्टेज कौन सी, अगर लिक्विड मीडियम है और माध्यम गैस है तो उसका एग्जाम्पल, ये जो विभिन्न प्रकार के दिए रखे हैं, जैसे अगर फेज लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड सॉलिड गैस लिक्विड, अगर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, टाइप कौन सा होगा और प्रकार कौन सा है ये बता रखे हैं। जैसे गैस है प्रावस्था, मीडियम लिक्विड है, तो इसका एग्जाम्पल फोम होगा, जिसको सेविंग क्रीम वगैरह इसके एग्जाम्पल है ना। अगर लिक्विड फेज है और लिक्विड ही मीडियम है, तो इसका इमल्सन, जैसे मिल्क है, फेस क्रीम है, ये इसके एग्जांपल है। सॉलिड है फेज, मीडियम लिक्विड है, इसका एग्जांपल है शोल, और जिसे जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। और गैस है फेज, मीडियम सॉलिड है, तो फोम इसका एग्जांपल है, जैसे फोम है, रबर है, स्पंज है, स्पंज आते हैं। फिर अगर फेज लिक्विड है, मीडियम अगर सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल जेल होगा, जिसके अंदर जेली है, बटर है, चीज़ है, ये सब इसके अंदर आएंगे। इसको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये एक ही बात है ना, और सामान्य है। फेज सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल होगा, इसके टाइप है सॉलिड सोल, और जैसे मिल्की ग्लास है, ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये विलयन, निलंबन और कोलाइड हुए और इसकी प्रॉपर्टी हुई, समझ रहे हो। अब इसके अंदर एक दो टर्म है, जैसे ये डिस्पर्सल फेज क्या होती है और डिस्पर्सल मीडियम क्या है, तो ये था बेटा। और बाकी जो डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम क्या होते हैं, ये अपन नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लें, ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। हाउ आर द सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विलयन, निलंबन, कोलॉइड एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार है वो बताना है, उसकी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई वो। और सेकंड है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कहने का मतलब, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर गोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, समझ लो सांद्रता ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर रहेंगे, और बाकी अपन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मतलब जैसे ये सॉल्यूट हो जाएगा, और कंसंट्रेशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों चाहिए, और सॉल्यूशन के अंदर इसको ऐड कर देंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 करके कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू।